वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रिलेशनशिप देखेंगे किसकी किसके साथ है, और ये बात हो रही है किसकी, हमारे जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ है ऑफ अ सॉइल उसकी हो रही है। ठीक है, अगर आपने वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी है जिसको हम मैंने एक्सप्लेन किया पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, क्योंकि उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो होने वाला है, उसका अगला पार्ट जो कि है रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे मैंने अभी लिखा ये वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी। तो ये जो तीन टर्म है इसमें एक और ऐड कर देता हूँ मैं, इसको हम कहेंगे वॉइड रेशियो के, यही है बेसिकली। तो ये जो तीन है, इन तीनों को हम समझते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले जो रिलेशनशिप है वो कैसे आए, एक ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मतलब जो टीचर्स है वो बताते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन वाटर कंटेंट, टोटल वेट और वेट ऑफ सॉलिड्स, इन तीनों का ऐसे लिखते हैं कि हाँ भाई अभी रिलेशनशिप है आपकी, तो रिलेशनशिप बिटवीन लिखो क्या, वाटर कंटेंट लिखो, अच्छा ठीक है सर, वाटर कंटेंट, फिर टोटल वेट और क्या, वेट ऑफ सॉलिड्स, और फिर आपको बता देंगे कि ये वाटर कंटेंट क्या है, वाटर कंटेंट नहीं, ये लिखेंगे वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन इज इक्वल्स टू टोटल वेट अपॉन वन प्लस वाटर कंटेंट, ये रिलेशनशिप इन तीनों का बीच का, तो ये लिख लियो। तो ऐसे आपको बताते हैं, तो ये फिर आप रट्टा मार लेते हो, कई कोई के रट्टा अगर एक्सपर्ट है तो उसके पार्ट हो जाता है, लेकिन नहीं है तो फिर वो हमारे जैसे वीडियो देखते हैं कंसेप्ट के साथ जाते हैं। तो ये कैसे आया इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो जब किसी ने मतलब जो टर्जा की सर है, उन्होंने जब ये देखा कि हमने तो वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स लिखा है, अब इसको अगर मैं डिराइव करता हूँ तो क्या हो सकता है, तो फिर उसने इसको डिराइव करके देखा। अब डिराइव कैसे किया देखता हूँ, अपन देखते क्या कैसे किया उसने। तो इसने क्या किया, वाटर कंटेंट लिया, ये जो वाटर कंटेंट है वेट ऑफ सॉरी ये जो वेट ऑफ वाटर है इसको निकाला इसे, ठीक है, बेसिकली मैंने इसको इधर भेजा है तो ये बन गया। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि जो हमारा टोटल वेट है वो क्या है, यहाँ पे मैंने फेज डायग्राम निकाली थी, एक बार फिर निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये सॉलिड्स, वाटर, एयर, तो उसने क्या देखा, जो टोटल वेट है ये मेरा टोटल वेट, ये तो मेरा वेट ऑफ वाटर है प्लस वेट ऑफ क्या है सॉलिड्स प्लस, तभी ये टोटल वेट बना ना। ओके, तो यही मैं लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा ये दोनों टर्म समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है यहाँ पे देखिए आसानी से दिख जाएगा कि ये जो टर्म है इक्वेशन वन नाम देता हूँ, ये इसको मैं यहाँ पे रख दूँगा, ये जो वेट ऑफ वाटर है यहाँ पे मैं ये टर्म रख देता हूँ, कैसे इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड प्लस इस तरह से। अब यहाँ से मैं ये जो मेरा क्या कहते हैं इसको वेट ऑफ सॉलिड्स वो कॉमन निकाल लेता हूँ, अब आसान हो गया ना। अब मुझे क्या निकालना है, सिर्फ वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल वेट अपॉन वन वाटर कंटेंट, तो ये आ गया, ये रहा इसका प्रूफ, ठीक है, इस तरह से ये आया। तो अभी जो हुआ क्या पता है आपको एक्चुअली, कि उसने इसको डिराइव करके देखा, ये जो वाटर कंटेंट हमने पहले लिया लिखा था ये है अपना वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, तो इसने इसको डिराइव किया, इसने यहाँ पे ऐसा रखा ऐसा रखा, फिर इसको पता चला कि इन तीनों का एक रिलेशन बना है इसमें, जिसमें क्या आया है वेट ऑफ सॉलिड्स, टोटल वेट और वाटर कंटेंट, फिर उसने इसको नाम दे दिया कि हाँ भाई ये तीनों का एक रिलेशन है, तो ये बन गया, ठीक है। इसको फर्दर आप अगर अपने हिसाब से अगर डिराइव कर सकते हो, फिर ये जो टोटल वेट है इसको भी फिर आप क्या कहते हैं इसको इलाबरेट कर सकते हो, इसको भी लिख सकते हो और भी इसमें रिलेशन बनते, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड बन जाता है आपके क्या करते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरह अभी हम एक दूसरे का देखते हैं जिसमें हम वॉइड रेशियो, टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये कवर करते हैं, लेकिन ये अभी मैं बताया, मैं पहले क्या करता हूँ आपको एक मतलब एक ऐसे कंसेप्ट के जरिए समझता हूँ, तो देखिए समझाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ वॉइड रेशियो, ठीक है, ये रहा वॉइड
रेशियो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से, और वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब सिमिलरली जैसे हमने उसमें किया था, इसमें इसमें इसी तरह हम इसको भी निकालते हैं। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, टोटल वॉल्यूम सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इंटू ई। ये एक मेरा रिलेशन बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टोटल वॉल्यूम क्या है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पे दिखते हैं फिर से। तो ये जो हो जा हो, ये होता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, इन दोनों का अगर प्लस करता हूँ मैं तो होता है मेरा टोटल वॉल्यूम, यही मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, ये जो है टर्म ये पुट डाउन कर देनी है, इक्वेशन वन ये इक्वेशन टू, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ, इज इक्वल्स टू वी वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स कॉमन रख देता हूँ, यहाँ से ई आ गया, और अभी मुझे क्या कहना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल्स टू वी अपॉन वन प्लस ई। तो आप बता सकते इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन क्या हो जाएगा, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख लेता हूँ मैं, और फिर ये क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो। तो ये बन गया एक रिलेशनशिप। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये काफ़ी स्टैंडर्ड रहता है और क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। आप में से अगर किसी को ख्याल आया होगा कि यहाँ पे हमने वेट ऑफ सॉलिड्स ही क्यों निकाला है, वेट ऑफ द सॉलिड के ही फॉर्म में क्यों निकाला है, या फिर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वी अपॉन ऐसे क्यों निकाला है, वी इज इक्वल्स टू ऐसे क्यों निकाला, ये ऊपर वाला वी इज इक्वल्स टू, ये क्यों ध्यान नहीं रखना, ये क्योंकि बताइए यहाँ पे जो है ना फेज डायग्राम देखिए, फेज डायग्राम में हमें स्टैंडर्ड चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स वेट ऑफ सॉलिड्स, इसलिए हमने ये फॉर्मूले इस तरह से डिराइव किया, इस तरह से हम ध्यान रखेंगे इसको, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब सिमिलरली दो टर्म है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ इधर से। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है, एक आता है पोरोसिटी और एक आता है वॉइड रेशियो, पोरोसिटी। अब पोरोसिटी फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं इसको लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ वॉइड, परसेंटेज ऑफ वॉइड बोला तो कोई भी ऐसा मतलब नॉर्मली कोई भी बता देगा, हाँ परसेंटेज ऑफ वॉइड है, तो फिर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100, इस तरह से इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या करता हूँ, ये जो टोटल वॉल्यूम है उसको मैं रिप्रेजेंट अभी किस भी किया था, कैसे किया था, तो टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ओके, अब मैं इसको क्या क्या करता हूँ, देखिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड करता हूँ, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से डिवाइड किया, इस टर्म को होल टर्म को करना है अभी, तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो है इस टर्म को आपको पता है क्या लिखते हैं अपन, ई करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, तो ये बन गया ई। फिर ये जो है ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, दोनों के बीच में ई रखते होता हूँ, अब ये भी टर्म क्या बन गई, ई नहीं बन गई, वन बन गए। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं वन, और ये फिर से ई बन गई, तो ये आ गया एक रिलेशनशिप, पोरोसिटी इज इक्वल्स टू वॉइड रेशियो अपॉन प्लस वन प्लस वॉइड रेशियो। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे वॉइड रेशियो के साथ भी कुछ होगा ऐसा ही, वॉइड रेशियो, तो चलिए मैं लिखता हूँ वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू ई, ई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, जस्ट अ सेकंड, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है अपना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, थोड़ा वो बैटरी नहीं है मोबाइल में और मुझे वीडियो भी डालना है, टाइम नहीं है, तो इसको अभी कंप्लीट करना है। तो ई इज इक्वल्स टू वी, अब वी क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, ओके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, तो फिर क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स देखिए फिर से एक बार फेज डायग्राम आ जाओ भाई आगे, तो फेज डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस कर देता हूँ, ओके ये भी बात है अच्छी, तो मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स माइनस कर देता हूँ, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स मिल जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग बाय टोटल वॉल्यूम, करेक्ट, अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, अभी इसका क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं बताइए आप, एन
पोरोसिटी परसेंटेज ऑफ वॉइड्स, ये हो गया एन। इसको यहाँ पे कर देंगे तो वन हो जाएगा, ये और ये बेसिकली वन ही होता है ना, और इसको भी पोरोसिटी लिखते तो है। आ गया इस तरह से, आपको दिख रहा है? ओके दिख रहा है। अब इसमें भी क्या है दोस्तों, देखिए आपको एमसीक्यू जब देते हैं ना तो ऐसे डायरेक्टली नहीं देते, ये देख लो हो गया, वो क्या करते इसको घुमाते हैं, वो भले ही मतलब थोड़ा सा चालाक है, ये डायरेक्टली नहीं दिखाते। इसको क्या लिखते हैं वो लोग, एन इज इक्वल टू ई वन माइनस एन, ऐसे दिखाते इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कभी कभी ये फिर और एक पड़ाव आगे चले जाएंगे, कहेंगे कि ये रिलेशन बताओ, तो इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ भी ये जो हमारे टर्म है पोरोसिटी का, रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो, तो इसको भी ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कैसे दिखा सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू एन प्लस एनी, या फिर बस सिंपली इस तरह से, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है वो सिर्फ मतलब जैसा दिख रहा है वैसा नहीं एग्जाम में पूछे जाते, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाता है, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं कंसेप्चुअली क्या कहे तरीका निकालिए कि इसको कैसे और तरीके से लिखा जा सकता है, और उसके नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देखिए, और फिर हो जाएगा। ऐसे ही जब आप हुक्स लॉ करते हैं ना, हुक्स लॉ नहीं जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के लॉ होते हैं, जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन के इलास्टिक यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ऐसे दो तीन मॉडुलस है तो उनके बीच में होता है रिलेशन, तो वो भी इस तरह से होते हैं, थोड़ा घुमा के बताते हैं, पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिए अगली वीडियो में, मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाला था, लेकिन फिर वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है तो देखते नहीं, तो अगला जो वीडियो होने वाला है वो सहवाग एक फॉर्मूला है वो कैसे आया वो डिराइव करेंगे, उसके दो हिस्से में उसको डिराइव होता है, एक अलग और एक अलग, तो वो समझेंगे कि उसका कैसे आया। फिर जो है नंबर ऑफ डेंसिटीज़ के है कि ये डेंसिटी है तो वो डेंसिटी, वो फॉर्मूला, तो उसको भी हम तीन पार्ट में बनाएंगे, एक वो, एक आगे वाले आने वाला सहवाग पे ऊपर, और फिर अगले वाला।